तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली असगर एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग हो गई थी हम लोग की, बहुत अच्छे से नाश्ता वाश्ता भी हो गया माशाल्लाह। तो अभी गाइस रोमा जा रही है नौशीन को देखने के लिए, क्योंकि नौशीन को हो गया है बच्चा। तो माशाल्लाह से अल्लाह उन लोग को तंदुरुस्ती दे, बच्चे को भी और नौशीन को भी, और अल्लाह और खुशियाँ दे उन लोग को। तो अभी जा रही है रोमा नौशीन को मिलने के लिए। तो चलो गाइस दिखाते हैं आप लोग को नौशीन के वहाँ गई है। और ये अली को देखो इतना परेशान कर रहा है ना, मेरे को देखो बहुत जिद कर रहा था, मेरे को भी जाने का बच्चे को दिखने, मेरे को भी जाने का बच्चे को दिखने। तेरे डड्डू को देख ले, तेरा बाबू डड्डू भी तो बच्चा है बेटा, एक छोटा सा आपका बच्चों। तू तो पहला बड़ा हो जा, फिर बच्चे को देखने जा। तुमको हॉस्पिटल में अलाउड नहीं करेंगे ना बेटा, इसके लिए समझा। क्या कर दू गाइस, मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी। तो आप लोगों को कैसा आएगा, है ना जी? उनको समझ आ जाएगी तेरे फ्रेंड लोग को, क्या बात है। हाँ चलो गाइस मिलते हैं फिर। सो गाइस मैं अभी निकल चुकी हूँ शॉपिंग करने के लिए अपना नौशीन के बच्चे के लिए, देखते क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, चलिए फिर मिलते हैं। नौशीन के बच्चे के लिए एक ये लिए पूरा सेट, छोटा सा क्यूट सा शूज, और ये बाबा सेट पूरा। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ इधर हॉस्पिटल में। सो गाइस अभी लिफ्ट हॉस्पिटल के लिफ्ट में हूँ, पहुँच गई हॉस्पिटल। गाइस आ गई हूँ हॉस्पिटल में। तो गाइस आंटी आए मिलने के लिए नौशीन और हमारे से और बच्चे से तीनों से। तो आंटी कैसा लग रहा है तुम्हारे को? शुक्रिया, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, हमारे लिए नहीं, बच्चे के लिए। नीता को बोली बोले भी ना कुंवारे पन के हो गए, अभी शादी हो गई, अभी मामा मामी जिम्मेदारी आ गई। अभी 40 दिन तो उसकी मम्मी कमा देगी ना, 40 दिन बाद जाएगी ना, 40 दिन बाद पूरा काम, 40 दिन बाद का 4 साल तक संभाल लूंगा। सुप्रिया नहीं उठा पाता है, इसने उठा लिया माशाल्लाह बच्चे। मेरे घर में 5 बच्चे पहले से है ना, तो एक्सपीरियंस है मेरे को। हमारे सबसे पहला है ना, हॉस्पिटल नहीं आया, हॉस्पिटल नहीं आते, नहीं तो भी उठाएगी नहीं, जब तक बड़ी नहीं गई नहीं उठाएगी। हाँ ये लोग घर में पहला बच्चा ना, तो लोग थोड़ा वो करेंगे। देखने भी नहीं आए थे, रो रहे थे पापा निकलने के रो ना दीदी बना रहे ये, क्योंकि दीदी और सुफिया भाई दोनों आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये कहो मैं भी सगा दिखा रहा हूँ। दी मेरा काम कर ले है, नीदा दीदी और चाची ही बहुत क्यूट है। नीदा दीदी एक काम करती है, तो दूसरा हम लोग पकड़ा देते हैं। बैगन का बता चावल सब बना, और अभी तक मेरा सगा ठीक नहीं
बता दीजिए है तो गाइस अभी हमारा पूरा ये रेडी हो चुका है और ये तो पैंट का काम चालू होने वाला है। पैंट का काम चालू होने वाला है और मम्मी अभी ये है खाना बना रहे हैं। तो गाइस सब लोग को बताता हूँ क्या क्या होने वाला है और चैंटिंग होने वाला है। तो फाइनली रोमा आगे बच्चे से मिल गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है। माशाल्लाह रोमा बता रही थी इतना प्यारा बच्चा है कि पूछने की हद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बोले बहुत अच्छा है, माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह नज़र से बचावे। और नौशीन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है अभी। और हम लोग मिल के आए नहीं, रोमा मिल के आए, मैं तो नहीं जा सका क्योंकि मेरा काम था कुछ। और बस दुआ करो, एक अलग ही खुशी होती है। बाकी बच्चा होता है तो एक एक्साइटमेंट आदमी को एक अलग ही होता है पहले बच्चे में। बोले माशाल्लाह हमारे समधी समधन दोनों बहुत खुश थे। माशाल्लाह सुफियान भी बहुत एक्साइटेड है, नीदा भी बहुत एक्साइटेड। नीदा तो बहुत जिद कर रही थी जाने के लिए, जाके आई कि मेरे को जाना है, मिलना है बच्चे से, क्योंकि उसको बच्चों का बहुत शौक है। उसको कैसा है ना, बच्चे लोग का बहुत बोले तो बहुत शौक है। बस दुआ करो कि नीदा को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बच्चा हो जावे, किसी की नज़र नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, कोई मुसीबत नहीं आवे। बस आप लोग की दुआ ही हम लोग के काम आती है और कुछ काम नहीं आता किसी का सिवाय दुआ के। क्योंकि दुआ बोलते ना मुश्किल आफत बला टला सबको टाल देती है। और अल्लाह जितने भी बेचारे फ़लस्तीन के अंदर बच्चे हैं उनकी हिफाज़त करे अल्लाह। बस मेरी यही दुआ है। आप लोग भी नमाज दुआ पढ़ते, आप लोग भी दुआ करो उनके लिए, हर लोगों के लिए, बड़े छोटे बुढ़े सबके लिए। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। तो दुआ में याद रखना और सबको सलाम कहना। तो चलो गाइस मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन और कमेंट भी करो गाइस, कमेंट बहुत कम आ रहे। तो चलो गाइस मिलते हैं, लव यू।